रातों को आंखों में नींद नहीं, न दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं, पुलिस की नौकरी है मेरे यार। जी हाँ, ये पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। जवान एक बार जो वर्दी पहन लेता है तो फिर वो ना दिन देखता है न रात, न आग देखता है न पानी, बस फर्ज की खातिर बेखौफ होकर छलांग लगा देता है। यूपी पुलिस के जाबाज जवान दरोगा आशीष की भी कुछ यही कहानी है। सितारेदार वर्दी पहने हुए ये जो जवान धीरे धीरे आईपीएस कलानिधि नैथानी की ओर बढ़ रहे हैं, ये जवान हैं सब इंस्पेक्टर आशीष, जिनकी बहादुरी के चर्चे आजकल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हो रहे हैं। और उसी बहादुरी का इनाम लेने के लिए सब इंस्पेक्टर आशीष आज एसएसपी कलानिधि नैथानी के पास पहुंचे, जिन्हें प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। ये सम्मान दरोगा आशीष को यूं ही नहीं मिल रहा है, ये सम्मान है उस साहस का, ये सम्मान है उस जज्बे का, ये सम्मान है फर्ज के प्रति ईमानदारी का, जिसके लिए दरोगा आशीष जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटे। ये मामला दादो थाना इलाके के गंगनगर सांकरा का है, जहां एक लड़का अचानक नहर में गिर गया और लगा डूबने। इस घटना की खबर जैसे ही गंगा किनारे ड्यूटी कर रहे दरोगा आशीष को मिली, उन्होंने वर्दी में ही नहर में छलांग लगा दी। गंग नहर की जिस तेज धार में लोग उतरने से भी डरते हैं, उस तेज धार में जब एक लड़का डूबने लगा तो दरोगा आशीष ने भी इस बात की फिक्र नहीं की कि उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, और ना ही इस बात की परवाह की क्योंकि उन्होंने तैराकी बचपन में सीखी थी। इतने सालों बाद वो तैर पाएंगे या नहीं, ये उन्हें भी विश्वास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो नहर में कूद गए, क्योंकि उनकी नजर के सामने बस एक ही लक्ष्य था, उस डूबते लड़के की जान बचाना और वर्दी के प्रति अपना फर्ज निभाना। बस यही सोचकर दरोगा आशीष ने गंग नहर में छलांग लगा दी। हाथ लो, हाथ लो, इन्हें हाथ ले लो। ऊपर देखो, ऊपर फोन है, फोन फोन ऊपर। दरोगा आशीष पानी के तेज बहाव से लड़ते रहे, लेकिन जब तक इस डूबते लड़के को बचा नहीं लिया, हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उस लड़के को बचाकर नहर के किनारे ले आए, दरोगा आशीष भी थक कर वहीं किनारे पर लेट गए। कुछ देर बाद गांव वाले और दरोगा के साथी पुलिसकर्मी उन्हें एक हैंडपंप के पास ले गए, और जिस तरह से फिल्म नायक में अनिल कपूर को नहलाया जाता है, उसी तरह से दरोगा आशीष को नहलाया गया। फर्क सिर्फ इतना था, वो फिल्मी सीन था और ये हकीकत। ऐसे बहादुर जवान के जज्बे पर यूपी पुलिस भला गर्व कैसे ना करती। सबसे पहले तो खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दरोगा आशीष को 25,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। उसके बाद यूपी सरकार के गृह विभाग ने भी दरोगा आशीष के साहस को सलाम करते हुए 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ, दरोगा आशीष ने जिस साहस के साथ नहर में डूबते लड़के को जान की बाजी लगाकर बचाया है, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है। लोकेश पवार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आज जो इन साहब ने काम किया है ना, ये वीडियो उनको दिखाने की जरूरत है जो रात दिन सिर्फ वसूली करते हैं सड़क किनारे या थाने में। हैट्स ऑफ टू हिम सर। वैभव वर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये है इंडियन पुलिस का रियल पुलिस हीरो, सैल्यूट है।
एक यूजर ने लिखा, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा, मुझे याद करना, तूफानी बारिश में भी आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा। आशीष त्रिवेदी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अलीगढ़ पुलिस के दामन में जब तक आशीष कुमार जैसे जाबाज दरोगा हैं, पुलिस का नाम रोशन होता रहेगा। गुजर शैलेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, किसी की जान बचा लेना अपनी जान की परवाह किए बगैर, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, प्रमोशन तो होना चाहिए पुलिस ऑफिसर का। मनोज कुमार लोधी नाम के यूजर ने लिखा, आपने अपनी जान की परवाह ना करके एक व्यक्ति की जान ही नहीं बचाई बल्कि पूरे एक परिवार को बचाया है, आपका व्यक्तित्व महान है। सोशल मीडिया पर दरोगा आशीष के साहस के बारे में जो कोई भी सुन रहा है, कुछ इसी तरीके से तारीफ कर रहा है, कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है तो कोई उनका प्रमोशन करने की मांग कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से दरोगा आशीष ने अपने नाम के मुताबिक उस डूबते लड़के को जीने का आशीष दिया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसीलिए आपका NMF न्यूज भी इस दिलेर जाबाज सब इंस्पेक्टर को सलाम करता है। ये कंटेक्ट रहा है।